फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे चैनल कुकिंग विदुषा में आप सबका स्वागत है। आज हमने बेल का शरबत बनाया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसमें हमने कोई स्पेशल चीज नहीं डाली है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही कम कैलोरीज का है और गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद है। आप भी बनाइए, पीजिए और पिलाइए, आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएंगी। तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया है। आजकल गर्मियां चरम सीमा पर है और इस समय ये बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, बिल्व फल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वुड एप्पल भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम शरबत बना करके पिए गर्मियों में तो गर्मी नहीं सताती है और ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये मैंने मार्केट से लिया है। इसको हम इस तरह से इसको चटका लेते हैं। अभी टूट गया है, बहुत अच्छा निकला है, देखिए बिल्कुल फ्रेश निकला है ये। सबसे पहले हम इसका पल्प निकालेंगे, कहीं कोई भी इसमें निशान नहीं है। और इस तरह से हमें इसका पल्प निकालना होता है जो हमारे छिलके में लगा होता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, ये वाला पोर्शन होता है, इसमें बिल्कुल भी गमी नहीं होता है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से निकाल लेंगे, ये थोड़ा गमी होता है बीच में। गुड एप्पल का जो पल्प होता है बहुत ही फायदेमंद होता है और इसमें से एक बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू निकलती है। बस इसको छीलना और इसका पल्प निकालना, यही थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। इसी तरह से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे हम। तो ये हम अपने पल्प को एक बड़े बाउल में पलट लेते हैं, क्योंकि रखने से ही ब्राउन होता चला जाता है। आप 10 मिनट भी रख देंगे तब भी ये काला हो जाएगा, छीलने के बाद जल्दी ब्राउन होता है ये। अब इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे, मैशर से भी कर सकते हैं, मैं मैशर से नहीं कर रही हूँ, मैं स्पून से कर रही हूँ, से अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर स्टिकी टाइप होता है ये बीज के आसपास, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, उसको तो निकालना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसे को इसमें मैश कर लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि ये जल्दी मैश हो जाएगा। हमारे जितने भी ये मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, ये इनको हम इसी तरह से डाइल्यूट कर लेंगे, इसी से हो जाते हैं। ये हमारा इतना डाइल्यूट हो गया है। अब इसको हम किसी छलनी में छानेंगे, क्योंकि इसमें रेसे भी हैं और इसके बीज भी हैं। इसके लिए हमें इसे छानना होता है। हमें छलनी के लिए हमें इस तरह की छलनी नहीं लेनी है, जाली होती है वो बहुत ज्यादा बारीक होती है, हमें इसका रेसा भी चाहिए होता है, तो इसलिए हम इसमें नहीं छानेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ी परात ली है और मेरे पास क्योंकि बड़ी जाली है इसलिए मैं बड़ी जाली को यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो जाली होती है ये इसमें सारा फाइबर निकल जाएगा और इसके बाल रह जाएंगे। क्योंकि जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा बारीक वाली चलनी में रह जाता, अब इसमें सब अंदर चला जाएगा इसकी। तो इस तरह से इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, पल्प है सब अंदर पहुंच जाएगा। ये हमारा सारा पल्प निकल आया है। जो हमने बेल का शरबत बनाया है ये इसमें नॉर्मल मीठा होता है, बहुत से लोग तो बिना चीनी के भी इसे पी लेते हैं, कुछ एक दो चम्मच शहद डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बाउल में पलट लेते हैं। ये एक बाउल हमारा शरबत बन गया है, इसमें हम ओनली 4 TSP डालेंगे, 1, 2, 3 and 4, क्योंकि नॉर्मल मीठा है इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं, इसके कई ऑप्शन हैं शुगर ना डालने के। अब इसको हम हल्का सा मिला लेंगे, इसके अंदर से इतना अच्छा फ्लेवर निकल के आता है, जो नेचुरल इसके अंदर स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है। अब हमारी चीनी इसमें घुल गई है, अब मैं इसे सर्व करती हूँ। लीजिए, हमारा बेल का शरबत तैयार हो गया है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है। आप भी बनाइए, पीजिए और पिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।